नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर में नकली नोट चलाने वाले गिरोह फिर हुए सक्रिय। इंदौर शिप्रा थाना पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 12,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। दरअसल पूरा मामला इंदौर के शिप्रा थाना क्षेत्र का है, जहां शिप्रा पुलिस ने टोल नाके पर 200 रुपए का नकली नोट चलाने की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी कर 5 लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है। सभी आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस ने गिरोह के कब्जे से एक कार व 12,000 रुपए से अधिक के नकली नोट बरामद किए हैं। शिप्रा पुलिस को सूचना मिली थी कि ओमकारेश्वर से देवास जा रहे कार में 5 लोग नकली नोट लेकर जा रहे हैं। जब आरोपियों ने नकली नोट टोल टैक्स पर चलाने की कोशिश की तो टोल कर्मचारियों को संदेह हुआ। तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 12,000 रुपए के नोट बरामद हुए, बस सभी नकली हैं। फिलहाल में शिप्रा पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि नकली नोट कहां से लाए गए और गिरोह में कितने लोग हैं। पूछताछ के बाद नकली नोट चलाने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस खुलासा कर सकती है। कितने नकली नोट पकड़े? परसों थाना छिप्रा पर टोल बैरियर पर 200 रुपए के नकली नोट देने की जानकारी प्राप्त होने पर 5 लोगों को 12,000 रुपए से अधिक की नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। थाना छिप्रा पर प्रकरण कायम है और 5ों आरोपी पुलिस रिमांड पर है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। सर कहां से आ रहे थे, कुछ जानकारी? हरियाणा के मुक्ता रहने वाले थे, ओंकारेश्वर से लौट रहे थे। टोल पर उन्होंने 200 रुपए का नकली नोट दिया, जिस पर टोल वाले ने जब पुलिस थाने को सूचना दी तो उनकी तलाशी ली गई और उस पर से 12,500 रुपए के नोट बरामद हुए, जो कि नकली थे। प्रकरण कायम कर विवेचना की जा रही है। पुलिस वाला न्यूज से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजय वर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।